नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरपीएफ के जवान ने अंधाधुंध ट्रेन में फायरिंग कर दी, जिससे ये हादसा हुआ है, जिसमें आरोपी आरपीएफ जवान का साथी आरपीएफ एएसआई समेत चार लोगों की मौत हो गई है। क्या रहा पूरा घटनाक्रम, क्यों आरपीएफ कांस्टेबल ने इस घटना को अंजाम दिया? बताया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल चेतन तनाव में था और इसी के चलते उसने फायरिंग की है, जिसे कि अब हिरासत में ले लिया गया है। आरपीएफ जवानों के विवाद के बाद ये फायरिंग हुई है। इसके अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर फंसालकर इस पूरे मामले का जायजा लेंगे, आगे की जांच करेंगे। कहा जा रहा है विवाद के चलते फायरिंग हुई, लेकिन किस बात को लेकर ये विवाद हुआ, ऐसा क्या हुआ जो कि ये रंजिश इतनी बढ़ गई, ये अभी साफ नहीं है। इसी मामले पर अब मुंबई पश्चिम रेलवे पुलिस आयुक्त का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नाराजगी नहीं है उसका, कुछ तबीयत गड़बड़ थी लग रहा था जैसा, और उसके बाद उसने अपना आपात वो जो दिखा उसको पहले टीका राम फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।